अपघात प्रवण स्थळ आहे इथे होऊ शकतो श्रेया कुलकर्णी काय अपघात दैट्स व्हाई आई एम अलर्टिंग यू आई एम ब्लोइंग हॉर्न वो लिखा रहता ना हाईवे पे अपघात प्रवण स्थल एक्सीडेंट प्रोन एरिया प्लीज ब्लो हॉर्न तो हाँ आई एम ब्लोइंग हॉर्न मैं आई एम अलर्टिंग यू ये यहाँ गलती कर लेते बच्चे कुछ क्रेडिट कर लेते कुछ कैश कर लेते मुझे गलती का तो स्कोप ही नहीं चाहिए एक भी गलती एक ही माँ 100 में से 100 ही चाहिए 12वीं में नहीं तो मतलब ही क्या मेरे से पढ़ के पहले ही अपने माइंड फिक्स होना 100 में से 100 होना मतलब होना हर साल 14-15 लोग 100 में से 100 मिलाते हैं मुझे लगता 25 ने मिलाना चाहिए 40 ने मिलाना चाहिए क्यों नहीं मिलाते गलती को कोई स्कोप नहीं है इसलिए एक एक चीज बारकाई से पढ़ो अच्छे से पढ़ो जाना ही अपने को उस लेवल पे अपन नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा 25 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है दैट टू आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और उससे तुम सिर्फ और सिर्फ 11वीं का अकाउंट पढ़ रहे हो 12वीं का अकाउंट पढ़ रहे हो आप समझे क्या हाँ जब भी मार्क नहीं मिलाएंगे जब भी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है मतलब ही नहीं है इसलिए आपने अपनी मेहनत पूरी करना कोई चीज डबल पढ़ लिया दो बार हो गया तो चलेगा लेकिन कोई चीज धुंधली नहीं रहनी चाहिए माइंड में दो बार हो गया तो चलेगा अपूर्वा अंजलि मेहनत तो देखो लाइफ में करनी पड़ेगी तनिष्का मेहनत लाइफ में करनी पड़ेगी भाविका अब उससे हम छूट नहीं सकते हम नहीं छूट सकते हमें तो मेहनत करनी है कुछ अचीव करना है लाइफ में तो आप मुझे देख लो भैया सीए बनने के बाद इतने साल होने के बाद मैं भी अभी कोई खाली पीली बैठा हूं मेहनत ही कर रहा हूं ना कि नहीं हाँ इसके अलावा भी कोई सोशल काम भी हमारे चलते रहते उसमें भी हाँ एक बहुत बड़ी स्कूल अमरावती में हम लोग जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगी नो प्रॉफिट नो लॉस हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है उससे और अच्छे एजुकेशन देना है भारतीय संस्कृति के साथ भारतीय संस्कारों के साथ हाँ बहुत अच्छी इंटीग्रेटेड स्कूल बुलानी है उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं उसके लिए डोनेशन ढूंढ रहे ये ढूंढ रहे ये सब मेहनत कर रहे हैं एक अच्छी स्कूल आ जाएगी अपने अमरावती सोशल भी काम करते हैं मुझे मेरे बच्चे भी ऐसे ही चाहिए हर स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल चालाक होशियार होना पढ़ाई में बिल्कुल हार्ड वर्किंग होना डेडिकेटेड होना सब हाँ ये सब मोबाइल और गैजेट और ये छोड़ो सब बेकार है 9 बजे आपने अपने मोबाइल टैब सब 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 दे देना कोई नहीं पढ़ाई अपने पेरेंट्स को दे देना मस्त सोना बिल्कुल 9:30-10 बजे सो जाना चल रहे अपने 1 बजे तक 1:30 बजे तक फिर लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे कुछ नहीं बोल दे रहा हूं मैं कुछ हासिल करना है तो कुछ अपने रूल्स रेगुलेट सवेरे बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग उठो सबसे पहले अपना मान लो एक्सरसाइज करो अपना स्केड्यूल बनाओ दिन का प्राणायाम करो साइकिलिंग करो फिर जो लगो पढ़ाई से हाँ एंटरटेनमेंट को आपको कितना समय होना आपके स्केड्यूल में डाल दो कि नहीं भाई मुझे सॉन्ग सुनना है मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है मुझे अकेले ही बैठना है धूप में अकेले कहीं जाना है कहाँ न्यूज़पेपर पढ़ना है या टीवी देखना है या मोबाइल पे सर्फिंग करना है सोशल मीडिया पे इसका टाइम फिक्स कर लो लाइफ में अचीव करना है तो सारे प्रमाण पूरे होना बराबर व्यवस्थित ये बेकार का बिल्कुल नहीं लोगों को करने दो एक बात बताओ सारी दुनिया करती मेरा एक एक सबसे एक क्वेश्चन रहेगा 100 में से कितने लोग सक्सेसफुल रहते मुझे इतना बताओ राजदत्त कोई भी बताओ 1% 5% ले लो भाई 1% नहीं 5 ले लो 10 ले लो तो अब ये 5% लोग जो सक्सेसफुल रहते हैं आपको उनके उनके समान रहना है या बचे हुए 95% जो दिन भर सोशल मीडिया पे डालेंगे सर हर कोई तो रहता हर कोई तो लेट सोता सर ऐसा थोड़ी रहता हमारा तुम्हारा वक्त अलग था हमारा वक्त अलग है जब थोड़ी ये गलत है अभी भी वो 5% सक्सेसफुल होने वाले लोग वो 2% वो 1% लोग वो वैसे ही चलेंगे उनका उनका लाइफ स्टाइल देखो आप देखो आप ख्वाब रख रहे हैं वो 2% में जाने का
और आपकी लाइफ स्टाइल है ये बचे हुए 98% या 95% लोगों के समान, कुछ तो भी मिसमैच है कि नहीं है ये बताओ। फिर मिसमैच है तो आप हासिल कर पाओगे क्या अपना टारगेट, आपका एम? नो सर, नहीं कर पाओगे। आपको आपकी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। वो जो 2% सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बायोग्राफी देखो, वो कैसा करते वैसा हमें करना है। कुछ नहीं उसमें भी मजा आता, मतलब आज आपको आलस आएगा, आज आपकी जब हैबिट बन जाएगी ना, सवेरे उठना है, मस्त एक्सरसाइज करना है, मस्त प्राणायाम करना है, टेरेस पे घूमना है, उड़ते पंछी, उगता सूरज, आहा पंछों की वो आवाज, अरे इतना मजा आएगा आपको। टेरेस पे थोड़ा सा गार्डन है तो फ्लावर देख लिए, तोड़ लिए, अपने आप मजा आएगा। नेचर के साथ जितना जुड़ोगे ये पॉजिटिव एनर्जी भरती है, काम करने को मजा आता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि जरा हाँ मेरा तो इतना जो भी लाइफ रहेगा, मैं 70 साल 80 साल 90 साल जितने हम जिएंगे फिट रहेंगे अच्छे रहेंगे, वो जाने दो, वो जो 95% लोग दवा खाने जाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा दवा, मैं फिट रहूंगा, मेरी हाइट अच्छी रहनी चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, हाइट का मैं तो मैं लटकूंगा है क्या अभी इसको 12वीं तक के हाइट बढ़ाने का तो बढ़ा दूंगा, चाहे गर्ल्स में रहे बॉयज में रहे, आउटडोर गेम खेलूंगा, थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, फिट होना, किसी ने मारा तो 2 मारने की ताकत भी होना, गर्ल्स को तो और बोल रहा हूं सेल्फ प्रोटेक्शन आना चाहिए आपको, ये गैजेट से नहीं आता, एक आध दिन तो मैं तोड़ डालूंगा उठा के, यदि आपने रात में 10 और 11 बजे तक आपके पास रहा तो तोड़ ही डालूंगा, फेंक दूंगा, उससे नहीं आता है, वर्कआउट करने से होता। बिल्कुल अपने आप के डायरी लिखो, अपने खुद के क्या बैड हैबिट से निकालो और गुड हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करो खुद में। मुझे मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसे चाहिए आइडियल, लोग आपके ऊपर ऐसे लिखे, एक आइडियल स्टूडेंट कैसा तो ऐसा, केशव के समान, भाविका के समान, हर्षल के समान, श्रेया के समान, मानसी के समान, ऐसे मुझे चाहिए। सब अपने क्लास के स्टूडेंट एक आइडियल होना चाहिए और बन सकते तुम, तुम्हारे में बहुत ताकत है, बहुत पोटेंशियल है, डायरेक्शन बिल्कुल आपको बताया गया, हम जिस पूरी ताकत एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो हासिल करेंगे, और ताकत इधर सोशल मीडिया में डाइवर्ट करेंगे, टीवी में डाइवर्ट करेंगे, ऐसी बेकार के बातों में, कोई एक्टर का ही, एक्टर करोड़ों कमाते हो साबुन की और तेल की एड कर करके, और हम उनकी बातें करते रहते, हम उनके समान कैसे बनेंगे, और देखो कोई क्रिकेटर की बातें करते रहेगा, अरे वो करोड़ों कमा लेते, आप ऐसी रह जाओगे बातें करते, लाइफ में कोई सुनेगा नहीं आपकी, मुझे वैसा चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने देखा सनलाइट वैसे स्कैटर्ड हो जाता है, लेंस देखा, लेंस आप खेले है कि नहीं खेले मैं बता दो, हम बचपन में खेलते थे, लेंस लेते थे नहीं तो दादी का स्पेक लेते थे, और दादी का स्पेक लेके ऐसा एक कागज लेते थे समझे, और धूप में जाते थे, वो लेंस या दादी का स्पेक उससे धूप में जाके वो लेंस के ऊपर सनरेज आते थे, और उससे मालूम है एक जगह इकट्ठा होते थे और रेज पूरे के पूरे पेपर बन हो जाता, क्या हुआ वो इग्नाइट हो जाता, वो सारी एनर्जी एक तरफ लग गई ना, वो जो स्कैटर्ड रेस थे वो एक एक फ्लो में आ गए ना एक जगह, और उससे जलना शुरू होता, और हम हमारा नाम लिखते थे ऐसा, एस लिखते थे इसके ऊपर, एस एस फॉर शाम, मस्त नाम लिखते, पूरी एनर्जी एक जगह लगाई तो वो इग्नाइट होना शुरू हो जाती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं, डोंट स्कैटर, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, बहुत पोटेंशियल है तुम्हारे में, दुनिया भर का पोटेंशियल है, क्यों आते हैं 100 में से 100 मार्क बच्चों को, इसीलिए आते। अच्छा वो ऐसा नहीं कि मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ंतु बनो, पूरा स्केड्यूल बनाओ, एक्सरसाइज भी अच्छा, बॉडी भी अच्छी, जनरल नॉलेज भी, मतलब पेपर न्यूज़पेपर भी रीड करो, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा 2 मार्क कम आए तो चलेंगे, 100 में से 100 नहीं आए, 98 आए तो चलेंगे, आप सारे तरफ से डेवलप दो, सब आता आपको तो 98 क्या 90 भी रहे तो चलता। अंजलि मेरी बात समझ में आई क्या?
और जो सारे तरफ ख्याल देते ना वो पढ़ाई में भी 100 में 100 मिलाते। मैंने ये देखा सब में, एक आधा हॉबी भी हो ना अच्छी, सिंगिंग आना चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते आना चाहिए, अपना जो है मतलब अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना, डायस पे जाके बोलते आना चाहिए, लोग हमारे से इन्फ्लुएंस होने चाहिए, उतना नॉलेज होना चाहिए बोलने के लिए। कुछ छोटी मोटी कोई क्लास होती है स्टेज डेयरिंग की, वो लगाओ, कम्युनिकेशन की होती है वो लगाओ, एक अलग पर्सन बने। तुम 98 में जा रहे हो या हो 2% लोगों में जा रहे हो, यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। मैं सिर्फ अलर्ट कर दिया आपको, मुझे 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 देखो, मैं आपको बता रहा हूं, रास्ता मैं दिखाऊंगा आपको, चलना आपको है, मैंने अलर्ट कर दिया। आप कैसे चलोगे, 98 में चलोगे या 2 में चलोगे, यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। मैं चाहूंगा कि आप वो 2 में चलो, मैं उसके लिए हर कोशिश करूंगा, आपके पेरेंट हर कोशिश करेंगे, बट चलना आपको है, यू हैव टू डिसाइड योर डेस्टिनी, और कोई दूसरा नहीं आएगा। आप ये चीज समझ लो, 10th गया आपको मालूम था 8th के बाद में क्या आना है, 9th, 9th के बाद में क्या आना है, 10th। अब 10th के बाद में आप समझ जाओ अब क्या आना नहीं हो, हमें डिसाइड करना है कि क्या करना है हमें। आगे 12th खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको लाइफ में देखो आप कैसे मतलब जिम्मेदारी आती है। अब बिल्कुल बड़े हो जाओ, मैं ऑलवेज कहता हूं, ऑलवेज एक बात कहता हूं, एट द एज ऑफ 16 शिवाजी महाराज ओन क्या, तोरना फोर्ट। शिवाजी महाराजांनी तोरना गड जिंकला होता अवघ्या 16व्या वर्षी। हम लोग सर 10th भी प्रमोटेड है, बिना एग्जाम दिए पास हो गए। अब बताओ कितना फर्क है, खैर एग्जाम ले लेते थे तो पास हो जाते थे, वो कोई बात नहीं। तो तुमने क्या किया, 10वीं के एग्जाम पास किया 16 साल में, और क्या किया, मतलब उस एज में वो इतने थे जहां इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना सिविलाइजेशन नहीं था, इतना रिसर्च नहीं था, इतना साइंस नहीं था, आगे आपके पास में इतना है, आपने कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए। वो स्क्रैच होता है उससे वेबसाइट बनती है, कैसा वेबसाइट बनाते हैं वो एक सॉफ्टवेयर से, देखना अपन ने खाली बैठ के, और कोई कहीं होता है क्या, और कोई फ्री में कोई क्लास है क्या, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की है क्या, कोई कुछ है क्या, मोबाइल में ही आपको रहना है तो कुछ देख, 1-1.5 घंटा कुछ नया चीज सीखना। अथर्व यस सर, हाँ मेरी बात को कान खोल के सुन लो, हर कोई बच्चा मेरा समझे है ना। यस सर, हाँ हाँ यस सर, बिल्कुल एक लिख लो खुद के लिए, टर्निंग पॉइंट होना चाहिए आज का दिन, पूरा डिसीजन है, पूरा पूरा लाइफ उसके ऊपर है, पूरा करियर आपका उसके ऊपर है, चारे तरफ से। मैं पैसा कमाना ही क्यों करियर नहीं मानता हूं मैं, पूरा यदि फिजिकली भी फिट होना, अच्छा नॉलेज होना, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना, अच्छी हैबिट्स होना, कहीं सिंगिंग कोई कुछ भी आए, कोई अच्छी हॉबी होना, सब तरफ से होना से अच्छा आदमी, एक ही तरफ से नहीं, अच्छे नेचर होना, मन में देश प्रेम, समाज के लिए कुछ करने की जिज्ञासा, कोई गरीब है कोई लाचार है तो उसको हम हेल्प करने की, हमारी मानसिकता हमारा माइंड वैसा होना, सब तरफ से अच्छा बनने की कोशिश करो, सिर्फ एक तरफ से नहीं, लोफ साइडेड मेरे को पैसा कमाना है। पैसा तो गलत तरीके से भी क्या है, आरबीआई की चेस्ट करेंसी चेस्ट फोड़ो, करोड़ों रुपए चुरा लो, हो गए पैसे कमाना, काहे को सीए करना पड़ता, कर लो चोरी किसके यहां। लेकिन सर वो सही वे है क्या, नहीं है, हमें करेक्ट वे से पैसा कमाना है, करोड़ों रुपए कमाओ, मैं नहीं बोलूंगा कि कम कमाओ, बिल्कुल कमाना चाहिए अच्छी तरह से, बट बाकी भी चीजें सब बराबर रहनी चाहिए, बैलेंस, पूरा बैलेंस, इसी के लिए आज से अपना बैलेंसिंग करना शुरू करो पूरा। मैं आपको यह बोल रहा हूं 100 नहीं आपको 90 है तो भी चलेंगे मार, मुझे एक पता है जो सिंसियर हो जाता सारे बराबर फॉलो करता ना वो बिल्कुल 100 मिलाता ही नहीं, तो इसकी इसकी मालूम है ये पढ़ते पढ़ते रहेगा, एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, अच्छा खाना ही नहीं खाएगा,
अच्छा डाइट ही नहीं रहता लोगों का, दाल पीते ही नहीं दो कटोरी, प्रोटीन ही नहीं जाते बॉडी में, डिफिशियंसी रहती है। हरी सब्जियां नहीं खाते, डिफिशियंसी रहती है, क्या बनेगा वो? फिर 15 दिन बीमार होता, 5 मार तो उसी में चल जाते उसके। इसलिए मैं बोलता हूं फिट रहो, अच्छा है। देखो बैलेंस डाइट होना, बैलेंस एक्सरसाइज होना। बोलते ना रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम आणि संतुलित आहार, ये भी बहुत जरूरी है। देखो अपना माइंडसेट कैसे पॉजिटिव रहता, पॉजिटिव और हैप्पी माइंड में हम एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहते, सब हासिल कर सकते। मैंने ये देखा है जो ये लोग है, ये मेरे इतने 25 इयर्स हो गए मेरे को एक प्रोफेशन में, ऐसे बच्चे हर तरफ शाइन करते हो, पार्टिसिपेट भी कर लेंगे प्रोग्राम में, वहां पे भी अच्छा सा प्राइज लेके आ जाएंगे, कहीं डिबेट में भी जाएंगे, कभी अच्छा ये एमओसी कर लेंगे, कोई अच्छे प्रोग्राम का सूत्र संचालन करेंगे, एमओसी करेंगे, सभी करते, और उसके मार्क देखेंगे तो मार्क भी ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं, कुछ बोलते लोग गॉड गिफ्ट रहते, यू हैव टू डेवलप दैट ह्यूमन इंजीनियरिटी, आपका जो है ना मतलब एफर्ट्स, वो कुछ भी करा सकता है। हम इतने होशियार हैं, हमें जो चीज भगवान ने नहीं दिया तो वैसे आपको पता है ठंड लगती है, ठंड हम शीप जो होती है शीप उसकी, उसको भी ठंड लगती है, हिमालयन उसमें वो वहां रहते ठंड ज्यादा रहती, वहां टेम्परेचर कम रहता, तो उनके बाल लंबे लंबे रहते। भगवान ने हमें उतने बॉडी पे बाल दिए लेकिन उतने लंबे नहीं दिए। हम क्या करते, हमारा हमारा माइंड चलाया हमने, वो भेड़ बकरियों के शीप के बाल काट के उल फिर उलन क्लॉथ बनाए और उलन क्लॉथ हम पहनते हैं ठंडी के दिनों में। भगवान ने हमें नहीं दिए थे लेकिन हमने हमारे एक्वायर किया वो चीज, आप समझो एक्वायर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गॉड गिफ्ट है अरे वो एक्वायर करो तुम सब आता, ये बोल के नहीं चलेगा उर्वी कि उसको गॉड गिफ्ट है, उसके हैंडराइटिंग वो अच्छी है बचपन से, इंप्रूव करो आप, उसकी स्पीच अच्छी है पहले से, तुम उस पर ट्राई किया क्या कभी? वो अच्छा सिंगिंग करती है, तुमने कभी किया क्या सिंगिंग का ट्राई? तुमने कोई अपनी हॉबी डेवलप? वो अच्छा खेलती है क्रिकेट, तुम कभी खेले क्या, ग्राउंड पे गए क्या, गैजेट छोड़ा क्या कभी तुमने? दिन भर मोबाइल मोबाइल, ये बातें वो बातें, इसका ऑन उसका ऑन, क्या रे ना रे, सब बेकार बातें में सब टाइम वेस्ट कर देते हो और सक्सेस चाहते हो। मतलब आपके आदतें वो 98% वाले लोगों की है और आपका टारगेट वो 2% वाले लोगों का है, देर इज अटर मिसमैच, कैसा होगा है? आपकी आदत है, योर हैबिट शुड बी लाइक दैट 2% पीपल, दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। मैं करियर नहीं बोल रहा हूं, इन देयर लाइफ बोल रहा हूं मैं, लाइफ इज अ और ब्रॉडर टर्म होगी। वो 2% लोगों में बनो आप, उनकी जैसे हैबिट डालो, ओके? चलो ठीक है, यस सर, चलो बाय।